गोरखपुर में एम्स की स्थापना को लेकर बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन द्वारा जन संवेदना यात्रा निकाली गई। वहीं एम्स लाओ संघर्ष समिति द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया गया। आज चौथे दिन सत्याग्रहियों ने प्रशासनिक आला अधिकारियों को गुलाब का फूल भेंट कर एम्स की स्थापना के लिए आगे आने का अनुरोध किया। गोरखपुर में एम्स की स्थापना को लेकर संघर्ष तेज हो गया है। विभिन्न संगठनों द्वारा इसकी मांगों को लेकर अपने अपने तरीकों से आंदोलन शुरू किया गया। आज एम्स लाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मंडलायुक्त कार्यालय से सत्याग्रह पैदल मार्च शुरू हुआ, जो जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा और वहां पर सत्याग्रहियों ने आला अधिकारियों को गुलाब भेंट कर गांधीगिरी की और गोरखपुर में एम्स की स्थापना के लिए उनका सहयोग मांगा। तो इस पुल के माध्यम से समझेंगे कि एम्स गोरखपुर में कितनी नित्यांत आवश्यकता है इसकी। इस शांतिपूर्ण तरीके से हम आपको इस पुल के माध्यम से दीजिए। अब आप अगर कुछ लिख पढ़ के देते तो मैं जरूर शासन को पिछले 15 तारीख कब कराएंगे, तब तक करेंगे, 1 महीना हो सकता है, 2 महीना। संघर्ष समिति के अध्यक्ष राणा राहुल सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के ढुलमुल नीतियों के कारण गोरखपुर में एम्स की स्थापना नहीं हो पा रही है। आज हम गोरखपुर के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गुलाब के फूल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो केंद्र व प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको गुलाब का फूल इसलिए दिया गया है कि जो लाखों बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मरे हैं पूर्वांचल के, उसके बावजूद एम्स में जो राजनीतिकरण की जा रही है उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा, ये कतई न्यायोचित नहीं है। अगर उनके में थोड़ी भी भावनाएं होंगी केंद्र व प्रदेश सरकार में, तो इन लाखों बच्चों पे लाशों पे राजनीति करना बंद करेंगे और गोरखपुर में एम्स के निर्माण अति से अति शीघ्र कराएंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ के उच्चतम अधिकारियों को गुलाब का दिए हैं कि वो अपनी ये बातें केंद्र व प्रदेश सरकार के सामने रखें।